हाय दोस्तों, स्वागत है आपके एक पसंदीदा चैनल जी के वाई युवराज में दोस्तों, और साथ साथ में एशिया महाद्वीप के पार्ट वन में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों एशिया महाद्वीप का पार्ट वन है दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलना, बिना देखे साथ वीडियो शुरू करते हैं। एशिया महाद्वीप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप के बारे में बहुत सारी जानकारी देखेंगे, झीलें, मरुस्थल, नदियां सभी देखेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलना। और पार्ट वन में एशिया हिब्रू भाषा का शब्द है। क्या है? एशिया हिब्रू भाषा का शब्द है दोस्तों। कौन सी भाषा का शब्द है? एशिया एशिया हिब्रू भाषा का शब्द है। एशिया का अर्थ है उगता हुआ सूर्य। क्या है? एक एशिया का अर्थ है उगता हुआ सूर्य। जो एशिया शब्द है, एशिया महाद्वीप जो एक एशिया शब्द है, ये हिब्रू भाषा का शब्द है दोस्तों, उसका अर्थ है उगता हुआ सूर्य। जो एशिया महाद्वीप की जो नदी घाटियों को दोस्तों सभ्यताओं का पालना कहते हैं। क्या कहते हैं? सभ्यताओं का पालना कहते हैं दोस्तों। जो एशिया महाद्वीप की जो नदियां और घाटियां दोस्तों, उनको सभ्यताओं का पालना कहते हैं। और एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों के जन्म स्थली कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की जन्म स्थली कहते हैं दोस्तों। मतलब दोस्तों सभी धर्म पाए जाते हैं एशिया महाद्वीप में। क्या पाए जाते हैं? जितने भी धर्म है दोस्तों, वो सभी धर्म हमारे एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, इसलिए एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की जन्म स्थली कहते हैं दोस्तों। एशिया भाषा शब्द है, इसका अर्थ है उगता हुआ सूर्य। एशिया महाद्वीप की नदी और घाटे को सभ्यताओं का पालना कहते हैं। सभी धर्मों की जन्म स्थली कहते हैं दोस्तों। आगे है पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश आते हैं देश दोस्तों, वो देख लेते हैं। तुर्की देश आता है, अजरबैजान आता है, फिलिस्टीन आता है, इजराइल आता है, और कत्तर आता है, बहरीन आता है, सीरिया आता है, इराक देश आता है, ईरान देश आता है, संयुक्त अरब देश आता है, संयुक्त अरब अमीरात देश आता है दोस्तों, और जॉर्डन देश आता है, साइप्रस देश आता है, ओमान देश आता है, और यमन देश। ये सभी देश जो मैंने अभी बताया हूँ, वो सभी पश्चिम एशिया महाद्वीप में आते हैं। पश्चिम एशिया महाद्वीप में जो महाद्वीप है, उसके जो पश्चिम भाग है, उसमें ये सभी देश पड़ते हैं दोस्तों। आगे मध्य एशिया, मतलब बीच में मध्य एशिया में दोस्तों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, अजबेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये सभी देश मध्य एशिया में आते हैं। मतलब बीच में एशिया महाद्वीप के बीच में आते हैं दोस्तों ये सभी देश। आगे है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में आते हैं दोस्तों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव और अफगानिस्तान, ये सभी देश आते हैं दोस्तों दक्षिण एशिया महाद्वीप में। दक्षिण एशिया महाद्वीप में आते हैं दोस्तों ये सभी देश, ये मध्य एशिया में और ये पश्चिम एशिया में आते हैं दोस्तों। आगे दक्षिणी दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया में आते हैं दोस्तों म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया, और आता है फिलीपींस और ब्रुनेई, ये सभी देश आते हैं दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया में दोस्तों। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में आते हैं दोस्तों चीन, मंगोलिया, जापान, और आते हैं उत्तर कोरिया, और आता है दक्षिण कोरिया और ताइवान, ये सभी देश आते हैं दोस्तों पूर्वी एशिया में दोस्तों। अगला है उत्तरी एशिया। उत्तरी एशिया में बस साइबेरियाई रूस आता है। क्या आता है? साइबेरियाई रूस आता है दोस्तों उत्तरी एशिया में, साइबेरियाई रूस दोस्तों। समझ में आ गया? आगे चलते हैं दोस्तों। ये एशिया हिब्रू भाषा शब्द है, अर्थ इसका उगता हुआ सूरज है। एशिया मध्यप नदी घाटों को सभ्यताओं को पालना कहते हैं। सभ्य धर्म जन्म स्थली कहते हैं। एक बार रिवाज कर लेते हैं।
पश्चिम एशिया में तुर्की, अजरबैजान, फिलिस्तीन, इसराइल, कतर, बहरीन, सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, साइप्रस, ओमान, रूडियो मनाते हैं। और मध्य एशिया में दोस्तों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आता है। और दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान आता है। और दक्षिण पूर्वी एशिया में आते हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई। और पूर्वी एशिया में आते हैं चीन, मंगोलिया, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान। और उत्तरी कोरिया में, उत्तरी एशिया में आता है दोस्तों साइबेरियाई रूस। दोस्तों समझ में आ गया दोस्तों, अब एशिया महाद्वीप की आगे देख लेते हैं। दोस्तों मैंने पहले ही लिख दिया ताकि आपको टाइम बर्बाद ना हो। दोस्तों अब एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला क्या है? प्रमुख पर्वत श्रृंखला है दोस्तों टोरस पर्वत। क्या है? टोरस पर्वतमाला। टोरस पर्वतमाला ये तुर्की में है। कहाँ है? तुर्की में, तुर्की देश में दोस्तों टोरस पर्वत है, टोरस पर्वत श्रृंखला। आगे एल्ब्रुज तथा जेग्रोस, एल्ब्रुज तथा जेग्रोस पर्वतमाला ये ईरान में है। कहाँ है? ईरान में है दोस्तों। आगे हिंदू कुश पर्वत। क्या है? हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत ये दक्षिण एशिया को और मध्य एशिया को अलग करते हैं। क्या करते हैं? दक्षिण एशिया को और मध्य एशिया को अलग करते हैं दोस्तों हिंदू कुश पर्वत, मतलब कि पृथक करता है दक्षिण एशिया को और मध्य एशिया को पृथक करता है दोस्तों हिंदू कुश पर्वत। समझ में आगे चलते हैं। सुलेमान पर्वतमाला, कीर्थर पर्वतमाला, शार्लट रेंज पर्वतमाला। सुलेमान पर्वत, कीर्थर पर्वत और शार्लट रेंज पर्वत ये सभी पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान देश में है दोस्तों। ये सभी सुलेमान, कीर्थर पर्वत, शार्लट रेंज ये सभी पाकिस्तान में है। आगे है टियान शेन पर्वतमाला। टियान शेन पर्वतमाला और कुनलुन पर्वतमाला और अल्ताई पर्वतमाला दोस्तों ये सभी चीन में है। कहाँ है? चीन देश में है दोस्तों। ये सभी कौन कौन से? टियान शेन, कुनलुन और अल्ताई पर्वतमाला ये सभी कहाँ है? चीन में है। आगे ये थे हमारे प्रमुख पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। कौन कौन सी? टोरस पर्वत तुर्की में, एल्ब्रुज तथा जेग्रोस ईरान में है, हिंदू कुश पर्वत दक्षिण एशिया और मध्य एशिया को अलग करता है, सुलेमान, कीर्थर पर्वत, शार्लट रेंज ये सभी पाकिस्तान में है, टियान शेन, कुनलुन, अल्ताई पर्वतमाला ये सभी कहाँ है? चीन में है दोस्तों। ये थे हमारे पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। अब दोस्तों पठार क्या है दोस्तों? तिब्बत का पठार। क्या है? तिब्बत का पठार ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पठार है दोस्तों तिब्बत का पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार। अगर आप कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि आप विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है तो उसका आंसर होगा तिब्बत का पठार दोस्तों। और ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी है। क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी दोस्तों तिब्बत का पठार है। फिर से अगर कोई पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, क्वेश्चन आ जाते पेपर में दोस्तों, तो आप क्या लिखोगे? तिब्बत का पठार दोस्तों। इसकी ऊंचाई 4,500 मीटर है। क्या है? 4,500 मीटर है दोस्तों तिब्बत के पठार की ऊंचाई 4,500 मीटर। और ये कहाँ है? ये कुनलुन पर्वतमाला, कुनलुन पर्वतमाला चीन में दोस्तों, कुनलुन पर्वतमाला और हिमालय पर्वत के मध्य में है दोस्तों तिब्बत का पठार। किन के बीच में? कुनलुन पर्वतमाला के बीच में, ये पर्वत के बीच में, कुनलुन पर्वत के बीच में और हिमालय पर्वत के बीच में दोस्तों है हमारा तिब्बत का पठार, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पठार है, सबसे ऊंचा भी पठार तिब्बत का पठार है। इसकी ऊंचाई 4,500 मीटर है। समझ में आ गया। अब है पामीर का पठार।
पामीर का पठार दोस्तों, पामीर का पठार दोस्तों, इसे विश्व की छत कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की छत कहते हैं दोस्तों, पामीर के पठार को क्या कहते हैं? विश्व की छत कहते हैं दोस्तों। ये जो पामीर का पठार है, ये हिंदू कुश पर्वतमाला को, टियान सेन पर्वतमाला को, कुनलून पर्वतमाला को, इन सभी हिंदू कुश, टियान सेन, कुनलून पर्वतमाला को जोड़ता है दोस्तों पामीर का पठार। क्या करता है? कौन सा काम करता है? जोड़ने का काम करता है। हिंदू कुश, टियान सेन, कुनलून को जोड़ने का काम करता है पामीर का पठार। इसे क्या कहते हैं? विश्व की छत कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पामीर के पठार को विश्व की छत। अगर दोस्तों एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल, प्रमुख मरुस्थल देखने से पहले जो पठार देख रहे थे उसमें दो पठार बच चुके थे, वो देख लेते हैं। अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार ये तुर्की में है। कहाँ है दोस्तों अनातोलिया? अनातोलिया पठार ये तुर्की में है दोस्तों। अनातोलिया पठार और टोरस और पॉन्टिक के मध्य में है। कहाँ है? टोरस और पॉन्टिक के बीच में है दोस्तों अनातोलिया का पठार। कहाँ, कौन से देश में? तुर्की देश में है दोस्तों। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ईरान पठार, ईरान का पठार ये एलबुर्ज और जेग्रोस के मध्य में है। कौन कौन, किस किस के बीच में है? एलबुर्ज और जेग्रोस पर्वत माला के बीच में है। एलबुर्ज पर्वतमाला के और जेग्रोस पर्वतमाला के मध्य में है दोस्तों ईरान का पठार। समझ में आ गया दोस्तों? अनातोलिया पठार तुर्की में है, ईरान का पठार एलबुर्ज और जेग्रोस पर्वतमाला के मध्य में है। अब ये तो थे हमारे पठार दोस्तों। अब जो मरुस्थल है एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल वो देख लेते हैं। पहला है ईरानी मरुस्थल, ईरानी मरुस्थल, इसे दस्तक ए लूथ मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दस्तक ए लूथ मरुस्थल भी कहते हैं और दस्तक ए कबीर मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दस्तक ए लूथ मरुस्थल भी कहते हैं और ईरानी मरुस्थल को दस्तक ए कबीर मरुस्थल भी कहते हैं। दस्तक ए लूथ मरुस्थल और दस्तक ए कबीर मरुस्थल ईरानी मरुस्थल को कहते हैं दोस्तों। आगे है काराकुम मरुस्थल, काराकुम मरुस्थल ये तुर्कमेनिस्तान में है। कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में है दोस्तों काराकुम मरुस्थल, तुर्कमेनिस्तान देश में है दोस्तों काराकुम मरुस्थल। आगे है तकला माकन मरुस्थल, कौन सा? तकला माकन मरुस्थल ये चीन के सिक्यांग प्रांत में है। क्या है? कहाँ है? चीन के सिक्यांग प्रांत में है दोस्तों तकला माकन मरुस्थल। चीन देश के सिक्यांग प्रांत में दोस्तों तकला माकन मरुस्थल चीन के सिक्यांग प्रांत में। आगे है सऊदी अरेबियाई मरुस्थल, कौन सा? सऊदी अरेबियाई मरुस्थल ये अलग फंद मरुस्थल भी कहते हैं। इसे अलन फंद मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलन फंद मरुस्थल भी कहते हैं और हमादा मरुस्थल भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? हमादा मरुस्थल भी कहते हैं सऊदी अरेबिया मरुस्थल को और अलन फंद मरुस्थल भी कहते हैं दोस्तों सऊदी अरेबिया मरुस्थल को। जो सऊदी अरेबिया मरुस्थल ये सऊदी अरब में है। कहाँ है? सऊदी अरब में है दोस्तों सऊदी अरेबिया मरुस्थल। अलन फंद मरुस्थल भी कहते हैं और हमादा मरुस्थल भी कहते हैं और सऊदी अरब में स्थित है दोस्तों। समझ में आ गया? अगर दोस्तों गोभी मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल? गोभी का मरुस्थल दोस्तों। जो गोभी का मरुस्थल है ये मंगोलिया, क्या है? मंगोलिया, सॉरी मंगोलिया और चीन के बीच, चीन मंगोलिया में भी है और चीन में भी है। जो गोभी का मरुस्थल ये मंगोलिया और चीन में है दोस्तों गोभी का मरुस्थल। मंगोलिया देश में और चीन देश में है दोस्तों गोभी का मरुस्थल। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। थार मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल ये पश्चिम भारत में और पाकिस्तान में है। कहाँ है? पश्चिम भारत में है दोस्तों और पाकिस्तान में है दोस्तों थार मरुस्थल, पश्चिम भारत में और पाकिस्तान देश में।
अनातोलिया पठार तुर्की में है, ईरान पठार एल्बोल जेग्रोस के मध्य में है, ईरानी मरुस्थल दस्तक लूत मरुस्थल दस्तक कबीर मौसम कहते हैं, काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है, तकला मकान चीन में है, सऊदी अरेबिया मरुस्थल सऊदी अरब में है, गोभी मरुस्थल मंगोलिया चीन में है, थार मरुस्थल पश्चिम भारत और पाकिस्तान में। दोस्तों अगर दोस्तों एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां दोस्तों, पहली यांग टीसी क्यांग नदी कौन सी है, पहली है यांग टीसी क्यांग नदी दोस्तों ये चीन में है, कौन सी देश में है, चीन देश में है दोस्तों यांग टीसी क्यांग नदी। ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, क्या है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है दोस्तों यांग टीसी क्यांग नदी दोस्तों, जो की चीन देश में। दोस्तों आपका कोई पूछे की क्वेश्चन आता है पेपर में कि एशिया महाद्वीप सबसे लंबी नदी है, तो उसका आंसर होगा दोस्तों यांग टीसी क्यांग नदी दोस्तों, एशिया महाद्वीप सबसे लंबी नदी है और ये चीन में दोस्तों स्थित है। आगे है आमुर नदी, आमुर नदी दोस्तों ये चीन और रूस में है, कहाँ है, चीन और रूस में है, चीन देश में और रूस देश में है दोस्तों आमुर नदी, चीन देश में और रूस देश में, समझ में आ गया। आगे चलते हैं दजला फरात नदी, क्या है, दजला फरात नदी दोस्तों यह है टोरस पर्वतमाला, क्या है, टोरस पर्वतमाला, उसी से दजला फरात नदी दोस्तों, दजला एक नदी है दजला नदी और दूसरी है फरात नदी, दोनों नदी दजला नदी और फरात नदी दोनों टोरस पर्वतमाला से निकलती है, कौन सी पर्वतमाला से निकलती है, टोरस पर्वतमाला से निकल रही है, यहां से निकल रही है फरात नदी और यहां से निकल रही है दजला नदी दोस्तों। फिर यहाँ ईरान देश है, कौन से देश है, ईरान देश है, यहाँ ईरान देश के अल बसरा के, ईरान देश के अल बसरा एक जगह है, ईरान देश में अल बसरा, वहां जाके दोनों दजला नदी और फरात नदी दोनों मिल जाती है दोस्तों, संगम बन जाता है दजला नदी का और फरात नदी का दोस्तों, मतलब कि दोस्तों यहाँ से ईरान नदी निकल रही, फरात नदी निकले और दजला नदी निकल रही है टोरस पर्वतमाला से, यहाँ ईरान के अलबसरा गांव अलबसरा में एक जगह है, वहां मिलती है दोनों, फिर जब मिलती है फिर दोस्तों फारस की खाड़ी में गिरती है, क्या करती है, फिर जब दोनों मिल जाती है फिर वह कहलाती है दजला फरात नदी दोस्तों, दजला फरात नदी दोस्तों दोनों निकलती है ईरान के अलबसरा में मिलती है, और जब मिलती है तब दजला फरात नदी बन जाती है, फिर दजला फरात नदी दोस्तों ये फारस की खाड़ी में गिरती है दोस्तों, दजला और फरात नदी है उन दोनों के बीच मेसोपोटामिया की सभ्यता है, क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है दोस्तों, दजला और फरात नदी के मेन बीच में दोस्तों मध्य में मेसोपोटामिया की सभ्यता फारस की खाड़ी में गिरती है, दजला फरात नदी ईरान और दजला और फरात नदी ईरान और बसरा में मिल जाती है और टोरस पर्वतमाला से निकलती है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं हवांग हो नदी दोस्तों ये इसे चीन का शोक कहते हैं, क्या कहते हैं, चीन का शोक कहते हैं दोस्तों हवांग हो नदी को, चीन का शोक कहते हैं हवांग हो नदी को, इसे पीली नदी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पीली नदी भी कहते हैं दोस्तों हवांग हो नदी को, पीली नदी दोस्तों। आगे है इरावदी नदी दोस्तों ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है, क्या है, दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों इरावदी नदी दोस्तों, इसे म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं दोस्तों इरावदी नदी को, कारण क्या है इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहने का दोस्तों, कारण यह है कि जो इरावदी नदी है इसका सबसे ज्यादा फायदा म्यांमार को होता है, किसको होता है, म्यांमार देश को इरावदी नदी का सबसे ज्यादा फायदा होता है, समझ में आ गया। यांग टीसी क्यांग ये चीन में एशिया महाद्वीप सबसे लंबी नदी है, आमुर नदी चीन और रूस में है, दजला फरात नदी टोरस पर्वतमाला से निकलती है और दजला फरात नदी निकलती है और ईरान अलबसरा में मिलती है और फारस खाड़ी में गिरती है, यहाँ मिलती है जब दजला फरात नदी बन जाती है और इसके बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता है। हवांग हो नदी चीन का शोक, पीली नदी कहते हैं
इरावती नदी दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है और म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं दोस्तों एशिया महाद्वीप सॉरी इरावती नदी को दोस्तों। अब दोस्तों एशिया महाद्वीप की प्रमुख झील है क्या है, एशिया महाद्वीप की प्रमुख झील है दोस्तों पहली है कैस्पियन सागर झील। कौन सी, कैस्पियन सागर झील दोस्तों, कैस्पियन सागर झील ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों कैस्पियन सागर झील दोस्तों। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील भी कैस्पियन सागर झील है। क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील भी दोस्तों कैस्पियन सागर झील है और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कैस्पियन सागर झील है दोस्तों। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। दूसरी है बेकाल झील। बेकाल झील दोस्तों ये विश्व की सबसे गहरी झील है। क्या है, विश्व की सबसे गहरी झील है दोस्तों बेकाल झील, विश्व की सबसे गहरी झील। अगली है वोन झील। वोन झील दोस्तों ये तुर्की देश में है। कौन से देश में है वोन झील दोस्तों, ये है तुर्की देश में और विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील है। क्या है, विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील है दोस्तों वोन झील। अगर आपको पूछ ले पेपर में कि विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है तो वह है तुर्की सॉरी वोन झील दोस्तों जो कि तुर्की देश में है। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। मर्त सागर झील। मर्त सागर झील दोस्तों ये विश्व की सबसे नीचे स्थित झील है। क्या है, विश्व की सबसे नीचे स्थित झील है दोस्तों मर्त सागर झील। समुद्र तल से 1500 फीट नीचे है। क्या, समुद्र तल से 1500 फीट नीचे है दोस्तों मर्त सागर झील। ये विश्व की सबसे नीचे स्थित झील है और समुद्र से 1500 फीट नीचे स्थित झील है दोस्तों मर्त सागर झील। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। सो सिकोरू, पांचवी है सो सिकोरू। सो सिकोरू ये सो सिकोरू झील ये तिब्बत में है। कहाँ है, तिब्बत में दोस्तों सो सिकोरू झील और ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। क्या है, विश्व की सबसे ऊंची झील है दोस्तों सो सिकोरू झील, ये तिब्बत में है और विश्व की सबसे ऊंची झील है सो सिकोरू झील। कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे खारे पानी बड़ी खारे पानी झील, क्षेत्रफल सबसे बड़ी झील है। बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है और वोन झील तुर्की में है, विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील है। मर्त सागर विश्व की सबसे गहरी नीचे स्थित है, समुद्र से 1500 फीट नीचे है। सो सिकोरू तिब्बत में है, विश्व की सबसे ऊंची झील है दोस्तों। अगर आपको पेपर में पूछ ले कि विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है तो वह है सो सिकोरू, और आपको पूछ ले कि विश्व की सबसे नीचे स्थित झील कौन सी है तो वह है मर्त सागर झील, और आपसे पूछ ले कि पेपर में विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है तो वह है वोन झील, और आपसे पूछ ले पेपर में विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तो वह है बेकाल झील, और आपसे पूछ ले कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी झील कौन सी है तो वह है कैस्पियन सागर झील दोस्तों। और मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो ये जो हमारा आज के वीडियो है उसको बार बार देखिए तो दोस्तों जरूर याद हो जाएगा, और इसके रिवाइज करिए। अगर हम जितने रिवाइज करेंगे उतना ही हमें जल्दी याद हो जाएगा दोस्तों। और आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। और आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक हमारा अगला वीडियो आएगा दोस्तों तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखें और आप स्वस्थ रहे व्यस्त रहे और मजे में रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।